जिस दिन से इस किसान आंदोलन का ये तारीख रखी गई है, दिन रखा गया था, उसी दिन से यहाँ सभी किसान धरना दे रहे हैं और प्रांत प्रांत से यहाँ किसान आए हुए हैं। हमारे परिवारों में वहाँ बच्चे अकेले घर में हैं और हम यहाँ अपने कृषि के लिए, अपने किसान कानून के लिए, इस काले कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख भाई सारे यासीन भाई भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे हैं और अगर मैं आपको बताऊं तो आज ये किसानों के आंदोलन का 7वां दिन है। तमाम झंझटों और संघर्षों के बावजूद किसान यहाँ पे आज टिके हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि जब तक उनकी मांगों पे विचार नहीं होता है और जो वो तीन कानूनों को जो निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली आए हैं, तब तक उन पे सरकार अपनी दो टुक राय नहीं देती, वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। आपको बता दें कि रात के समय में यहाँ पे पारा काफी गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे किसान बिल्कुल प्रतिबद्ध तरीके से खड़े हैं और उनके जत्थे जो है रोज लाखों की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपको पीछे की साइड का नज़ारा दिखा पाऊँ आपको, तो यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी वहाँ पे सिर्फ आपको ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, ट्रक, किसानों के जत्थे, खाने बनते हुए और वाटर टैंक, यही सब दिखाई देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि कल जो होने वाली जो चौथे चरण की हम कहें कि बातचीत है सरकार और किसानों के बीच में, वो कितनी सफल होती है। सारा अनाज पैदा करके ढिड विच पाउंदा है पंजाब तो वो अत्तवादी है। क्यों खाना बेशर्मा होके तेनू होश नहीं आउंदी? वो पैदा करने वाला रुदा सड़कां ते तेनू लाज नहीं आउंदी? किसान खुदकुशियां करने लिए मजबूर हो रहा। आज पंजाब का जो भारत का अखबार पढ़कर देखें तो हर रोज कुछ न कुछ किसान है जो खुदकुशी कर रहे हैं और किसान अपने परिवारों की मार रहे हैं। किसान की जड़ी फसलों के मूल्य जो मूल्य दाम है वो कम हो रहे, दूसरे पास जो किसान कीटनाशक दवाइयां, बीज है, खाद है, वो लगातार रेट डीजल उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ हर चीज का निजीकरण हो रहा है और कॉरपोरेट घराना अब किसानों की जमीन छीनने पे आ गया है। ये ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिससे हर परिवार को हानि होगी, उनकी जमीन छीन जाएंगी, वो गरीब हो जाएंगे, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। बकवास करता है, इसके हम पीछे नहीं लगते, हमारा परिवार मर जाएगा पर इसके बाद नहीं माने। अभी खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी मामले में साढ़े बच्चों को खेती खोज जानी, कोई नौकरी नहीं रहेगी तो फिर साढ़े बच्चे कितने जाएंगे? अभी बच्चों पढ़ाना है, साढ़े को पैसा ही नहीं, कोर्स कराने पैसा नहीं, बाहर भेजने पैसा नहीं, भर्ती कराने पैसा नहीं, नौकरी नहीं मिलती, तो बच्चे खेती करते, खेती भी खोलन लगा, अं की खावे? जो मजदूर ने वह भी भुखे मरन डे ने। इस करके ये मोदी बहुत गलत काम करता, इन्हें पहला जो नोटबंदी की उदों भी बड़ा परेशान किया। इन्होंने पंजाब के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में जो कोऑपरेटिव सिस्टम है इसको ख़त्म करने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हौली हौली जो इनके बीच सामान मिलता था वो अब इन्होंने घटाकर एक रेल की उस ऊपर ले यूरिया खाद देते हैं या डाई देते हैं। जो कोऑपरेटिव है जो इसको अच्छे से लागू किया जाए, कोऑपरेटिव सिस्टम के साथ जो मझोले किसान हैं और छोटे किसान हैं उनको सारों को इसके साथ फायदा हो सकता है कि वो कोऑपरेटिव के थ्रू इकट्ठे होकर जो मशीनरी है उनको सस्ते रेट पर भी मिल सकती है। जो छोटे किसान हैं जो आप ठेके पर भी जमीन दे देते हैं वो भी अपनी खेती कर सकते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव सिस्टम को मजबूत कर ही छोटे किसान को बचाया जा सकता है। मान सरोवर एक दिन हंस पंजाब दिया।
We'll be right back.